गोलगप्पे गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। गोलगप्पे वाले की आवाज सुनकर वहाँ कुछ बच्चे घर से निकलकर बाहर आ जाते हैं। हमें भी गोलगप्पे खिला दो अंकल। हाँ बेटा क्यों नहीं, अभी खिलाता हूँ। कालू सभी बच्चों को गोलगप्पे खिलाता है। गोलगप्पे खाकर तो सभी बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह अंकल, आप तो बड़े ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाते हो। ऐसे गोलगप्पे तो हमने आज तक नहीं खाए। अरे बेटा ये सुनकर तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई। चलो अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मेरा काम कैसा चलेगा। कालू पूरा दिन गोलगप्पे बेचता है और शाम तक उसके सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं। वो बड़ा ही खुश होता है और खुशी खुशी अपनी सारी कमाई लेकर घर आ जाता है। अरे ओ माला जल्दी आओ। हाँ जी अभी आई। क्यों शोर मचा रहे हो? ये देखो मेरे सारे गोलगप्पे बिक गए और इतनी अच्छी कमाई हुई है। अरे वाह ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। हम कितने दिन से परेशान हो रहे थे, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता है। हाँ माला ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की। अगले दिन फिर कालू और माला खूब सारे गोलगप्पे बनाते हैं और कालू सारा सामान रेडी में रख कर बेचने निकल पड़ता है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। काफी गोलगप्पे बेचने के बाद वो आराम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है। उसी पेड़ के ऊपर एक मोटा भूत रहता था। अरे वाह गोलगप्पे, मेरा तो ये देखकर मुंह में पानी ही आ गया। जब मैं जिंदा था तो कितने गोलगप्पे खाया करता था। ये आदमी तो अभी सो रहा है, तो क्यों ना मैं जब तक चुपके से इसके गोलगप्पे खा जाऊं। वो मोटा भूत नीचे उतरता है और कालू के सोने का फायदा उठाता है। वो एक एक करके कालू के गोलगप्पे खाने शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो काफी सारे गोलगप्पे खा लेता है। उसे गोलगप्पे इतने स्वाद लगते हैं कि बस वो खाता ही जाता है। वाह वाह मजा ही आ गया इतने स्वाद गोलगप्पे खाकर। अब मेरा पेट भर गया है, तो वापस ऊपर चढ़ जाता हूँ और कल फिर से इसके गोलगप्पे खाऊंगा। वो भूत वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद जब कालू की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके टोकरे के सारे गोलगप्पे गायब हैं। वो बड़ा हैरान होता है कि आखिर सारे गोलगप्पे गए तो कहाँ गए। समझ ही नहीं आ रहा कि ये सारे गोलगप्पे कहाँ चले गए, अभी तो पूरा टोकरा भरा हुआ था। कालू बड़ा ही परेशान होकर घर वापस चला जाता है पर माला को कुछ नहीं बताता ताकि वो परेशान ना हो जाए। अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए। हाँ वो जल्दी ही सारे गोलगप्पे बिक गए थे ना इसलिए। अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, ऐसे ही रोज कमाई होती रहे तो कितना अच्छा हो। हाँ सही कह रही हो। अच्छा चलो आप मुंह हाथ धो लो, मैं फिर खाना लगाती हूँ। अगले दिन कालू फिर से गोलगप्पे लेकर बेचने निकल पड़ता है। दोपहर तक गोलगप्पे बेचने के बाद वो फिर से धूप के कारण उसी पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने बैठ जाता है और फिर से उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है वो मोटा भूत पेड़ से उतर कर फिर से कालू के ढेर सारे गोलगप्पे खा जाता है। कालू की जब आंख खुलती है तो वो फिर से परेशान हो जाता है। काफी दिनों तक यही चलता रहता है। कालू को समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके गोलगप्पे कहाँ और कैसे गायब हो रहे हैं। आखिर इस बार वो घर जाकर सारी बात माला को बता देता है। आपने इतने दिन से मुझसे ये बात क्यों छुपाई और आप काम के टाइम पर सोते ही क्यों? अरे दोपहर के वक्त इतना काम नहीं होता तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ, अब क्या करूँ मेरी आँख लग जाती है। तो ऐसे सोते रहे तो उस चोर का कभी पता नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, कल मैं छुपकर देखूंगी कि आखिर कौन है जो हमारे गोलगप्पे खाया जा रहा है। आप बस रोज की तरह पेड़ के नीचे जाकर सो जाना, ठीक है? हाँ, ये तो अच्छा तरीका है उसे पकड़ने का। बस फिर क्या। अगले दिन कालू और माला अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं उस चोर को पकड़ने की जो उनके गोलगप्पे खा रहा था। कालू रोज की तरह अपना गोलगप्पे की रेड़ी उस पीपल के पेड़ के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगता है और माला दूर खड़ी उस चोर के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही मोटा भूत कालू को सोते देखता है वो बड़ा ही खुश हो जाता है। आ गया गोलगप्पे वाला।
मैं कब से इसके इंतजार में बैठा था, अब मैं पेट भर कर गोलगप्पे खाऊंगा। मोटा भूत पेड़ से नीचे उतरता है और एक एक करके गोलगप्पे खाना शुरू कर देता है। माला की तो भूत को देखकर हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये तो भूत है जो रोज हमारे गोलगप्पे खा जाता है, अब हम क्या करेंगे, ये भूत तो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। माला भूत को देखकर हड़बड़ा जाती है, पर भूत तो गोलगप्पों के मजे ले रहा होता है। सारे गोलगप्पे खाने के बाद भूत अपने मोटे पेट पर हाथ फेरता है। मजा ही आ गया, पर लगता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही गोलगप्पे खा लिए। कोई नहीं, खा लिए तो खा लिए, मैं कौन सा बीमार पड़ सकता हूँ। चलो अब आराम से ऊपर जाकर सोता हूँ, वरना कहीं ये आदमी उठ ना जाए। भूत ऊपर पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके कुछ देर बाद जब कालू उठता है तो टोकरे से फिर गोलगप्पे गायब होते हैं। इस बार भी गोलगप्पे गायब हो गए, पर कोई बात नहीं, माला ने आज उस चोर को देख तो लिया ही होगा। अभी मैं माला से पूछता हूँ कि वो चोर कौन है, फिर हम दोनों उस चोर को सबक सिखाएंगे। कालू घर पहुँचता है और माला उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो माला की हालत देखकर वो भी परेशान हो जाता है। क्या हुआ माला, तुम इतनी परेशान क्यों हो? परेशानी वाली बात तो है ही, आज मैंने जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा, तो तुम उस चोर की बात कर रही हो, जरा बताओ मुझे कौन है वो चोर, फिर देखो मैं उसकी कैसे खबर लेता हूँ। आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि वो चोर एक भूत है, भूत, एक मोटा भयानक भूत जो उस पीपल के पेड़ पर रहता है और आपके सोने के बाद आपके टोकरे से पेट भरकर गोलगप्पे खा जाता है। ये तुम क्या बोले जा रही हो माला, तुम होश में भी क्या दिमाग पाया है। अगले दिन माला गोलगप्पे के पानी में खूब सारी मिर्च भर देती है और फिर उसके बाद कालू अपना ठेला लेकर निकल पड़ता है। वो पेड़ के नीचे सोने का नाटक करने लगता है और मोटा भूत नीचे उतर कर गोलगप्पे खाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो भूत पहला गोलगप्पा अपने मुंह में डालता है, उसका मुंह आग की तरह जलने लग जाता है। अरे मर गया रे, मैं मर गया, अरे अरे मैं क्या करूं, मेरा मुंह जल गया। माला दूर से उस भूत की ऐसी हालत को देखकर बड़ी खुश होती है। कालू भी चुपके चुपके आंखें खोलकर देखता है तो उस भूत की हालत पर हंसने लगता है और उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो कभी दोबारा कालू के गोलगप्पों को हाथ भी नहीं लगाता।